सोच में क्या जो भी होगा देखा जाएगा, सोच में क्या जो भी होगा देखा जाएगा। अरे 12 क्लास के विद्यार्थियों, आप क्या सोचना है भैया? आप तो 1 तारीख से परीक्षा देना है। सोचो मत, जो पढ़ा है जाके जवाब दे दो। समझ रहे ना? समझा कि नहीं समझा? डरना मना है और परीक्षा में लिखना जरूरी है। समझ रहे हो ना? तो आज का वीडियो बहुत खास, बहुत खास, बहुत खास, 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक बेस्ट कलेक्शन आपके लिए। आज का वीडियो आप पूरा गौर से देखिएगा, 10 में कम 5 प्रश्न टकरा जाएगा आपका, ऐसा उम्मीद है। हो सकता है 10 टकरा जाए तो और खुशी की बात है। चलिए प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, सदिश है 2i कैप + 4j कैप + 6k कैप, इसका मापांक निकालना है। ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, दोनों तरफ से जो लाइन खींचा हुआ है ना, उसका मतलब होता है मापांक, उसको मॉडुलस कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर आपको 2 ही बताएंगे। तो चलिए भैया, 2 का सॉल्यूशन देखिए। मापांक के लिए फॉर्मूला होता है √x² + y² + z². चलिए, आपका x है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा फटाफट बोलिए, 4। 12 क्लास पास करने जा रहे, इज्जत रखना भैया। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16। एंड 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36। जोड़ दीजिए, कहानी खत्म है। 16 4 20 30 50 6 56, 16 4 20 30 50 6 56। अब कुछ कर सकते हैं आप? 56 को कुछ कर सकते हैं? 28, हाँ कुछ तो कर सकते हैं। 14 जगह 56, इसको आप लिख सकते हैं 4 × 14, लिख सकते हैं 4 × 14, 14 में 4 से गुना करिएगा तो आपको 56 मिल जाएगा। अब 4 का वर्गमूल आपको मालूम होगा कितना होता है 2, और 14 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो 2√14, यही हो गया आपका करेक्ट 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 ऑप्शन। तो 2 नंबर का कहानी हो गया खत्म। एक तो बुझौल है, जेड अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो 0, 0, 1। अगर एक्स अक्ष पूछ दे तो 1, 0, 0। अगर वाई अक्ष पूछ दे तो बीच में 1 चला आएगा, ठीक है, और साइड्स में 0, 0 रहेगा। तो ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको बता देते हैं 5। एक्स का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों, एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए बोलिए, एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन x² / 2, ठीक है, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, और इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो पावर 1 बढ़ जाता है, और जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर 1 घट जाता है, ठीक है। तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² / 2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। अब एक्स के स्थान पर अपर लिमिट डालिएगा बुआ, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 और -0 का स्क्वायर / 2 0, यानी कुल मिलाकर 1/2। तो 5 नंबर का जवाब आपको मिल चुका है। अब हम बतलाएंगे आपको सवाल नंबर 4। तो चलिए सवाल नंबर 4 पे करते हैं थोड़ा सा विचार। तो d/dx प्यारे बच्चों, d/dx sin²x, ठीक है। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पावर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। उसके बाद इसका बेस लिखते हैं, बेस क्या है बुआ, तो sin x। उसके बाद पावर -1, तो जब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, और पावर में 1 कभी लिखते नहीं है। फिर sin x का डिफरेंशिएशन, तो cos x। अब अगर इतना पर ऑप्शन दे दिया तो ठीक है, इसी को आप अपना सही आंसर समझिए, लेकिन देगा नहीं, लेकिन देगा नहीं, समझ रहे हैं ना? कहिएगा सर काहे नहीं देगा, आंसर जब सही है तो काहे नहीं देगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है
11th के ट्रिगोनोमेट्री के मुताबिक साइन 2x, तो ये वाला ऑप्शन आपको देने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप साइन 2x को अपना सही आंसर एक्सेप्ट करें। तो इस तरह से आपका चार नंबर भी सवाल क्लियर हो गया है। अब हम आठ नंबर सवाल का जवाब देंगे। एक मैट्रिक्स है 7 6 0 -1 और दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 0 1। प्यारे बच्चों आप जरा इसको देखो, इसको देखो 1 0 0 1, इसका नाम है प्यारे बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या नाम है बाबू? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जी हाँ, 1 1 0 0 वह वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण वाला सभी सदस्य 1 हो तथा बाद बाकी 0 हो, उसको तत्समक आव्यूह कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो वो मैट्रिक्स सेम टू सेम रह जाता है। यानी कि ये जो 7 6 0 -1 है, बस बिना गुना किए हुए आंसर बोल दीजिए, सीधे लिखिए आंख मूंद के 7 6 0 -1। गुना करेंगे भी तो यही आंसर आएगा। जैसे एक मैं बात बताता हूँ, एक में आप 21 से गुना करते हो तो 21, एक में अगर आप 322 से गुना करते हो तो 322, यानी एक से किसी भी नंबर को गुना करते हो तो वही नंबर उसका आंसर हो जाता है। उसी तरह से मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स उसका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए 7 6 0 -1 इसका आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 8 भी बनकर तैयार हो गया। अब हम सवाल नंबर 9 का कहानी खत्म करेंगे। दो घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र होगी यदि, दो घटनाएं ए तथा बी स्वतंत्र होगी, ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, इफ के बाद चार कंडीशंस होंगे, उसमें आपका एक सही होगा, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, यही है सही आंसर। चलिए अब हम सवाल नंबर 10 का कहानी खत्म करेंगे। लॉग एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, लॉग एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए तो लॉग एक्स का होता है 1/x, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो आप लिख दीजिए 1/x के पावर 4, क्योंकि x के जगह x के पावर 4 है। फिर x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन जब करिएगा तो पावर बेस पावर माइनस 1। अब क्या करोगे, x के पावर 3 है, x के पावर 4 है, तो x के पावर 3 से x के पावर 3 कट जाएगा, एगो बच जाएगा। देखो x के पावर 4 को लिख सकते हैं ना x गुना x के पावर 3, अब x के पावर 3 से x के पावर 3 कट गया, अब बच गया 4/x, तो 4/x आपका सही आंसर हो गया। चलिए तो 10 नंबर सवाल बन गया। अब कुछ क्वेश्चन बच गए हैं और मेरे पास जगह का अभाव हो गया है। चलिए तो इसको हम साफ करते हैं, तब तक आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उसको हम अभी सॉल्व करके आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करिए भैया। चलिए तो बाकी सवाल का जवाब दिखाता हूं मैं। सबसे पहले 7 नंबर का जवाब देखिए। 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है x गुना 1 - x के पावर 10 का। तो प्यारे बच्चों यह निश्चित समाकलन के गुणों पर आधारित प्रश्न है। एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे 0 से a f(x) dx, ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, 0 to a f(a - x) dx, ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी है निश्चित समाकलन का, यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है, इसका अक्सर यूज होते रहता है। अभी इसी का हम इस्तेमाल करके आपका ये क्वेश्चन बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी कहता है कि x के स्थान पे आपको अपर लिमिट माइनस x लिखना है। तो x आपका दो जगह है, दोनों जगह अपर लिमिट माइनस x लिखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 0 से 1, और यहाँ x के जगह मैं 1 - x लिख देता हूँ, और यहाँ पे 1 - फिर x है तो यहाँ भी 1 - x लिख देता हूँ, है ना, और ये टोटल पावर में 10 है तो 10 ही रहेगा एंड dx। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से 1
एंड वन माइनस एक्स, वन में से वन घट गया तो कहानी खत्म हो गया, एक से कट गया, ये माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर दस टी एक्स। अब यहां से मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक्स के पावर दस में वन से गुना होगा तो एक्स के पावर दस ही रहेगा, माइनस एक्स के पावर दस में एक्स से गुना होगा, एक्स के पावर दस में एक्स से गुना होगा तो एक्स के पावर दस एक ग्यारह हो जाएगा, दस एक ग्यारह हो जाएगा एंड डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, और x के पावर 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 11 बटा 11। ठीक है, पावर 1 बढ़ जाता है जब इंटीग्रेशन करते हैं पावर वाले फंक्शन का, तो यहाँ पे 10 है तो 11 हो गया, बटा में भी 11, यहाँ पे पहले से 11 है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 12, और बटा में भी 12 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया। अब लोअर लिमिट नीचे वाले कॉर्नर पर, अपर लिमिट ऊपर वाले कॉर्नर पर, अब जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ आप क्या करो, एक डाल दो और माइनस देके जीरो डाल दो, लेकिन जीरो डालने से तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, इसीलिए एक्स की जगह वन डालो, तो वन के पावर ग्यारह बटा ग्यारह माइनस वन के पावर बारह बटा बारह, अब एक के पावर ग्यारह रहे चाहे ग्यारह लाख रहे, नो प्रॉब्लम, उसका वैल्यू एक होगा, एक को कितना बार लिख कर गुना करो, एक रहेगा बटा में ग्यारह माइनस एक बटा बारह, अब ग्यारह बारह का एलसीएम लेंगे तो ग्यारह में बारह से गुना करना पड़ेगा, बारह का है 120 और बारह 132, तो 132 इसका लघुत्तम होगा, ग्यारह से इसको भाग दीजिएगा 132 को तो 12 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 12 लिखाएगा, अब 12 से 132 में भाग दीजिएगा तो 11 बार में कटेगा, यहाँ 11 लिखाएगा अब 12 में से 11 घटेगा तो 1/132, यही आपका सही ऑप्शन हो गया। तो सवाल नंबर 7 आपका क्लियर हो चुका है, अब सवाल नंबर 6 भी खत्म करेंगे हम। सवाल नंबर 6 कहता है समतल 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12 द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, इसके लिए आपके पास चार गो ऑप्शन होगा, आपको एक सही ऑप्शन की तलाश है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लेन का समीकरण जो है उसको लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर कितना, तो 12। अब हमको क्या करना है, बराबर के बाद एक लाना है, बराबर के बाद क्या लाना है, एक लाना है। अब आप कहिएगा सर एक क्यों लाना है, क्योंकि प्लेन का जो समीकरण होता है एक्स बटा ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी बराबर एक के फॉर्म में जब आ जाता है तो उसको अंतःखंड रूप कहते हैं, अंतःखंड रूप कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जब प्लेन का समीकरण, जब प्लेन का समीकरण एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर एक के रूप में लिखा जाता है तो उसको हम अंग्रेजी मीडियम में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन बोलते हैं, जबकि हिंदी मीडियम में अंतःखंड रूप बोलते हैं, तल का अंतःखंड रूप बोलते हैं। तो हमको क्या करना होगा, चूँकि एक्स अक्ष पर का अंतःखंड निकालना है, मतलब हम लोगों को ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए बराबर के बाद हमें कितना बनाना है, वन बनाना है, और बराबर के बाद अभी क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 12 दिया गया है 12, तो हम लोग क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 12, तो चलिए फटाफट 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, अब ये 2 × 6 = 12 कट गया, 3 × 4 = 12 कट गया, 4 × 3 = 12 कट गया, अब 12 × 12 एक मर्तबे कट गया, इस तरह से काटने के बाद आपको आ क्या रहा है, x/6 + y/4 + z/3 = 1। अब आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि x/a + y/b + z/c = 1 के रूप में यह आ चुका है। अब आप गौर करिए कि x के नीचे कौन सा नंबर दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि a का वैल्यू हो गया 6, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, x अक्ष पर काटा गया क्या अंतःखंड, तो 6 आंसर हो गया आपका, जहाँ ऑप्शन में 6 होना होगा वहाँ पे आप टिक मार देना। अगर पूछ देता वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड तो वाई के नीचे कौन दिख रहा है, 4, तो 4 आंसर हो जाता। अगर पूछ देता जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड तो जेड के नीचे कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 आंसर हो जाता। तो एक सवाल बतलाए और इसके जोड़े जोड़े हम 3 सवाल का कहानी खत्म कर दिए। तो बिहार बोलो, अब ये नहीं सोचिएगा कि सर हमको एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड पढ़ाए हैं तो वहाँ परीक्षा
आपको x अक्ष पर कहीं अंतःखंड पूछेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वह y अक्ष वाला भी पूछ सकता है, z अक्ष वाला भी पूछ सकता है। तो पूछे ना महाराज, उसको मना कौन करता है, पूछे उसको जो पूछना है वही पूछे। आपको तो जवाब देना आ चुका है, आप तो जवाब दे ही दोगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपका और बच गया है, फर्स्ट नंबर, जो कि सबसे लास्ट में बताएंगे। तो थोड़ा सा हमें फिर से जगह चाहिए, तो अभी हम क्लीन करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 बराबर व्हाट, इसका जवाब आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं उसको बगल में लिख दिया हूं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप जरा पहचानिए प्यारे बच्चों, आपका एक्स कौन है, आपका वाई कौन है, आपका एक्स कौन है, आपका वाई कौन है, पहचानिए। आपका एक्स है 3/5, आपका वाई है 12/13। बुझाया हो बुझाया कि नहीं बुझाया, सॉरी। अब अच्छा है ना, हाँ। आपका x कौन है, आपका x 3/5 है, आपका y कौन है, आपका y है 12/13 है। हंसते रहिए भाई, कुछ बीच बीच में हंसिएगा तब ना मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो अब x के जगह आप सिंपल 3/5 डाल दीजिए और y के जगह सिंपल 12/13 डाल दीजिए। और बात रहा कैलकुलेशन का, तो वो तो आपका सुपर हिट है, कहे कि बिहार के लड़का का कैलकुलेशन तो जानवे करते हैं। एक्स मतलब 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर है, तो 12/13 का स्क्वायर बताइएगा 144/169, ठीक है सर जी। प्लस वाई, वाई का मतलब हो गया 12/13 है कि नहीं, आ रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स पहले ही कह दिए कि 3/5 है, तो स्क्वायर करिएगा तो 9/25 होगा। दिमाग के दरवाजा खोल के रखिए, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए 3/5, भिन्न का घटाव तो बनाने आता है, तो 169 लघुत्तम हो गया, यहाँ 169 माइनस 144 प्लस 12/13, यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा 25, तो 25 माइनस 9। चलिए ये हो गया साइन इनवर्स 3/5, 169 में से 144 घट गया, तो 25 आएगा, घटा के देख लीजिएगा, 169 नीचा है, 12/13 उतार दीजिए, एंड 25 में से 9 घट गया था 16/25। चलिए आगे आइए, साइन इनवर्स अब 3/5 अपना जगह पर, अब 25/169 कहाँ है, तो रूट में है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 169 का 13 हो गया, 12/13 अपना जगह पर, और 16 का वर्गमूल हो गया 4, और 25 का वर्गमूल हो गया 5, नर बुआ 13/5 65 के लघुत्तम 65, तो हो गया साइन इनवर्स 65 का लघुत्तम 65, आ यहाँ 3/5 15 आ 12/4 48, 3/5 15 12/4 48 जोड़ा तब होगा 8 5 13 3 8 4 1 5 6 63, तो यहाँ हो गया 63। तो आपको यही आंसर में टिक मारना होगा बउआ, तो आपका सही जवाब हुआ, फर्स्ट भी क्लियर हो गया, साइन इनवर्स 63/65, यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और श्रीकांत सर के वीडियो का आपको इंतजार रहता होगा, और निश्चित रूप से आप अगर मेरा एक एक वीडियो को देख गए होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा सफलता मिलने वाला मैथमेटिक्स एग्जाम के अंतर्गत। तो अभी क्रैश कोर्स में हम 10th का भी पढ़ा रहे हैं और 12th क्लास का भी पढ़ा रहे हैं। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो 12th का या 10th का, तो दोनों क्रैश कोर्स में जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, एक एक वीडियो को इत्मीनान से देख जाइए, मैथमेटिक्स में बम्पर नंबर आएगा, ये मेरा आशीर्वाद और विश्वास, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अब वीडियो देखने के बाद अरे लाइक का बटन दबाने में आप लोगों को क्या लगता है, पैसा वैसा लग जाता है क्या, अरे थोड़ा सा देखिए, बहुत लोग
अब व्यूज होता है 500 और लाइक होता है 50 गो, अच्छा नहीं लगता है। जब उतने लोग देख रहे हैं तो उस रेशियो में थोड़ा सा व्यूज भी होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद कम से कम लाइक कीजिए, है ना, और कुछ कमेंट भी लिखिए, अच्छा बेजाय जो भी आपको लगता है लिखिए, कम से कम हम में भी कुछ कमी होगा तो आप उसको भी नज़र में लाइए, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विकास का जो कार्य होता है वो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार उस तरफ हम काम करते हैं तो धीरे धीरे विकास होता है हर चीज़ का। तो अगर कुछ आपको लगे कि हाँ कुछ दिक्कत सिक्कत तो वो बताइए, अच्छा है तो वो प्रशंसा कीजिए, मन खुश होगा कि हाँ चलो भाई बच्चे खुश हैं, है ना। तो जो भी हो आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट के जरिए शेयर करिए, है कि नहीं। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, नहीं कि वीडियो देखा हटा दिया, मतलब अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सा अपने दोस्तों के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करवाइए कि जल्दी से जल्दी आपका चैनल ग्रो हो। इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज का उद्देश्य है कि सभी बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट बन जाए, हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे।